अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी सारी फ्रेंड्स और यूट्यूब फैमिली? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आज का बहुत ही प्यारा प्यारा मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे जितने भी मेरी देखने वाली हैं सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो किस सिटी से हैं और वहाँ पर आज का मौसम कैसा था। जी तो आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है अपनी कुछ शॉपिंग जो कि मैं कल करके लाई हूँ। ये आपको मग नज़र आ रहा है। मुझे जो है जब भी मैंने बाज़ार जाना होता है स्पेशली क्रॉकरी वगैरह की किसी भी शॉप पे और मुझे मग कोई अच्छा लग जाए तो मैंने वो ज़रूर लेना होता है। तो ये ग्रीन और ब्लैक कलर का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कॉम्बिनेशन। और ये कोई और अंकल ख़रीद रहे थे तो मैंने उनसे पूछा नहीं आपने लेना है, तो वो कहते हैं बेटा आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले लें, तो उन्होंने मुझे दे दिया। लेकिन अगर कोई लड़की होती तो कभी भी ना देती वैसे। तो ये मैंने ख़रीदा 160 का। और उसके बाद ये किचन के लिए मुझे चाहिए था बॉक्स मसाले वगैरह रखने के लिए, ये लिया। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो थी ये प्लेट्स जो कि ईमान सिस्टर ने अपने व्लॉग में दिखाई थी, तब से मैं इन पे फिदा हुई हुई थी। और लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमें मिली नहीं थी, यानी कि तादाद इनकी कम थी जितनी हमें चाहिए थी क्वांटिटी। तो फिर हमने ये सोचा कि चार चार ही ले ली जाएँ बजाय इसके कि 6 पूरी करने का वेट करें और वापस आएँ तो तब तक ये भी ना हों। और इसके अलावा हमने लेना था नॉनस्टिक का तवा और ग्रिल पैन और साथ ही कटिंग बोर्ड। तो ग्रिल पैन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कुछ भी, लाइक आजकल तो रेसिपीज ज़्यादातर जो बनानी हो वो ग्रिल करनी पड़ती हैं और मुझे पसंद भी हैं ग्रिल किए हुए सैंडविचेस और कबाब वगैरह। तो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था लेकिन मिल नहीं रहा था और कल बाय चांस ये मिल गया तो हमने ये भी बाय कर लिया। और ये जो बॉक्स लिया मसाले रखने के लिए, इनका ये फ़ायदा है कि ये बंद हो जाते हैं बिल्कुल अलग अलग, यानी हर बॉक्स में आप रख सकते हैं लाइक धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर कुछ भी। तो ये इस हवाले से मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये भी ख़रीद दिया। और मतलब इतना कॉस्टली नहीं है, जस्ट 250 का ये मिला। और प्लेट्स हमें मिली हैं 1000 से अबव 1100 में। हाँ जी, 8 प्लेट्स हमने ख़रीदी हैं। और जो पैन है वो 800 का और तवा हमें मिला है 1100 का। इनकी क्वालिटी कैसी है ये यूज़ करने के बाद पता चलेगा, तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्वालिटी वाइज गुड हैं या नहीं। और बाकी ये है कि किचन में तो जब भी किसी ऐसी शॉप में जाओ तो ज़रूरत तो हमें होती ही रहती है किसी न किसी चीज़ की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें कुछ नई अच्छी लग रही होती हैं तो बंदा कहता है कि ये भी ख़रीद लें। लड़कियां तो वैसे ऐसे ही करती हैं, यानी ख़रीदने हमने कुछ जाना होता है और ख़रीद के हम 2-3 एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले आते हैं। मतलब वो शॉप के अंदर जाके अच्छी लग रही होती हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरी ये सारी शॉपिंग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह जल्द ही आऊँगी नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।